सर, ये जो पिंडी और लाहौर के अंदर मैचेस वाला मामला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीसीबी और पंजाब गवर्नमेंट केयर टेकर सेटअप के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, वो है क्या, हुआ क्या है भाई? ये अच्छा हुआ तुमने पूछा। उसकी वजह ये जमील कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाकायदा प्रेस रिलीज आई परसों कि ये मुआहदा हो गया, और ये मगर उस पूरी प्रेस रिलीज में लाहौर शहर का जिक्र था कि लाहौर के जो 9 मैचेस हैं वो होंगे, और उसमें ये भी था कि जी लाइटिंग का खर्चा शेयर होगा। हाँ, तो पहली पीसीबी एंड तो पहली बात पंजाब तो, पहली बात तो ये है कि एक पूरी प्रेस रिलीज आती है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफेयर किया है, प्राइम मिनिस्टर ने आपको कोऑपरेशन का दिलाया है, लेकिन द ओनली थिंग दैट द प्रेस रिलीज टॉक्ड अबाउट वाज लाहौर 9 मैचेस। तो पिंडी का क्या है? ठीक है, आई एम श्योर पिंडी का भी रिजॉल्व हो गया होगा, लेकिन कुछ जिक्र नहीं था। दैट मींस कि ये स्टेप बाय स्टेप गए, दैट मींस इट हैज मोर टू डू विद द लाहौर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। लगता है कि पिंडी वाज रेडी, पिंडी की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हैड नो इश्यूज, पिंडी की पुलिस सिक्योरिटी इश्यूज हैड नो इश्यूज, मे बी बिकॉज पिंडी है, और वहां पे उन्होंने कहा है कि हम देख लेंगे, हमारे पास बजट्स भी हैं, हमारे पास सिक्योरिटी स्टाफ भी है। लाहौर में वो नहीं था, एक तो ये बात सर। दूसरा जो ये है कि भाई शेयर क्यों हुआ? एक तरफ आपने स्टैंड लिया हुआ था, ये वही बात है कि मैं आंखों में आंखें डाल के मना कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद एकदम से आंखों में डाल के मैं मान रहा हूं। यही जरूरत क्या थी इसकी? यही पीसीबी में हुआ है कि जी सेठी साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, जो हम एक वो जो हमने 5 करोड़ दिए उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। लेकिन अब जो प्रेस रिलीज आई उसमें ये है कि शेयर्ड, अच्छा वो भी लाइटिंग की कॉस्ट, भाई आप 9 दिन में, चलो बीच में नेट प्रैक्टिस भी है, आप कितनी लाइटें लगाएंगे शहर में सिक्योरिटी करने के लिए कि 20-25 करोड़ पे बिल चला जाएगा? चराग कर देंगे सर, चपरासी, क्या इसका ऑडिट होगा? नहीं, और उसके अलावा पहली बात है, जब आपकी लाइटें चोरी हो जाती है, मीटर चोरी हो जाते, तारे तो गद्दाफी स्टेडियम के बाहर से हो जाते हैं, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये बड़ा एक कंफ्यूज्ड और वेक है। एक और कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, उसके बाद आके नजर बंद खेलते हैं। ये तैयब ताहिर कॉन्ट्रोवर्सी क्या है सर? कराची नहीं, तैयब ताहिर का तो ये है कि तैयब ताहिर को खिला नहीं रहते, और जब उसने खिलाया तो माशाल्लाह से उसने अच्छा स्कोर किया, लेकिन उसने बड़ी मजेदार एक बात कही एंड दैट रिफ्लेक्टेड अ बिट ऑन द मैनेजमेंट। उसने बेचारे ने भोलेपन में कहा, बहुत ही भोले तरीके से उसने एक बात कह दी कि जी मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे असल में वसीम अकरम साहब ने बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस नंबर पे खेलते हो, किस नंबर पे खेलना चाहोगे, फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा तुम किस तरीके का गेम खेलते हो, अच्छा तुम अच्छा, तुम्हारा स्टाइल क्या है। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार बिटवीन द लाइंस क्या कह रहा है ये बंदा? नहीं, वो तो मासूमियत में कह गया, लेकिन बात ये है कि भाई अगर आप बल्लेबाज से पूछ रहे हैं कि तुम किस तरह से खेलते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्या है, ये क्रिकेटर को मैनेजमेंट को तो नहीं बताना चाहिए। वेरी राइट, आप मेंटोर हैं, सो दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, बिग डिसअपॉइंटिंग थिंग। वेरी राइट जी, ख्वातीन हज़रात, इंपोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।